आज प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को लाइट साउंड फ्लावर एसोसिएशन के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल एसोसिएशन की मांग है कि उनको भी कार्य करने की जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन होगी हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां प्रशासन ने सभी कार्यों को करने की अनुमति दे दी है तो वहीं इस वर्ग को कार्य करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, यह समस्या से परे है। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में जिला कलेक्टर से बातचीत की जाएगी। मेरा आग्रह है कि हम लोगों की भी सुने सरकार, क्योंकि हम हो गए हैं बेरोजगार। अभी हम लोगों के पास बगत 6 माह से कोई काम नहीं है। हम लोगों की स्थितियाँ इतनी बद से बदतर है कि हम लोग खुद का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी फैमिली अपने साथ जुड़े हुए लोगों का क्या करेंगे। हम सरकार से चाहते हैं कि आग भी जो हमारा अगला सीजन है उसमें कम से कम 500 लोगों की व्यवस्थाएं की जाएं, कि 500 लोग शादी में आ सके, हम लोगों का रोज़गार खुल सके। और जो जबलपुर शहर में विगत कई सालों से जो ग्राउंड बंद है छोटे छोटे, उनको खोल दिया जाए ताकि हमारे जो छोटे परिवार हैं उनका भी भरण पोषण हो सके, छोटी शादियाँ हो सके। बस इसी के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारी बातों को सुने। लाइट ढोने से लेकर लाइट लगाने तक वाले कर्मचारी, ये सारे के सारे लोग इसी शहर का बड़ा निचला तबका है। कम से कम सबका हित देख के सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इनको परमिट करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहा ये समझ से परे। आज इनने संज्ञान में लाया है और हमारी पूरी सहानुभूति इनके साथ है। इनकी हर लड़ाई में हमारा सहयोग रहेगा। अभी ये हमको ज्ञापन दिए हैं, आज नहीं तो कल हम इस संदर्भ में कलेक्टर से भेंट करेंगे और उनको बताएंगे कि इनकी व्यवहारिक मांगें जो हैं, जो तत्काल में पूरी की जा सकती हैं।